सबसे पहले यहाँ पे ये टैग होता है ओपन के लिए और ये टैग होता है क्लोज के लिए, ठीक है। तो मुझे अगर एचटीएमएल के फुल फॉर्म पता है नीलम, तुम्हें तुमको पता है एचटीएमएल के फुल फॉर्म? जितेंद्र ना, जितेंद्र क्या बताई थी मैंने? ऐसे तो नहीं काम चलेगा, याद रखनी पड़ेगी एचटीएमएल। हाँ बताओ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। एचटीएमएल, एचटीएमएल का यूज़ होता है वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। कोई भी वेबसाइट देखोगे, बड़ी सी बड़ी वेबसाइट, ये देखो ये टॉप पे चल रहा है ना, ये भी देखूंगा मैं तो, ये भी एचटीएमएल से बना हुआ है। देखो डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल से यूज़ हुआ है। तो बिना एचटीएमएल के हमें कुछ नहीं दिखाई देता स्क्रीन के ऊपर, यहाँ तक कि जो एप्लीकेशन बनती है उसमें भी एचटीएमएल का यूज़ होता है, फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है एंड्रॉयड में, ठीक है। तो बिना एचटीएमएल के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये जब इमेजेस दिखाई दे रही है ना, हमें ऐसी दिखाई दे रही है, पर इसके पीछे कोड चेक करोगे ना तो देखो इसमें भी एचटीएमएल यूज़ हुआ है, डॉट टाइप एचटीएमएल। तो बिना एचटीएमएल के हम कुछ भी शो नहीं करा सकते स्क्रीन के ऊपर। तो एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल का वर्जन डिफाइन करने के लिए होता है हमारे पास डॉक टाइप एचटीएमएल। ये एचटीएमएल 5 का वर्जन डिफाइन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है इसके अंदर हेड सेक्शन। हेड सेक्शन को हमने यहाँ पे बंद कर देंगे। हेड सेक्शन होता है एक तरीके समझो, ये वाला पार्ट होता है, ये ऊपर जो आ रहा है ये पार्ट जो होता है वो हेड सेक्शन हो गया, हेड सेक्शन। देन हमने यहाँ पे यूज़ किया बॉडी, बॉडी को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये एक मतलब ये पूरा एक स्टैंडर्ड है कि लाइक आपको सबसे पहले ये लिखना है तब आगे कोड करना है, ठीक है। तो इसका फोटो खींच लेना या इसकी इसे कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर हम ये काम कहाँ करेंगे। हम काम करेंगे सबसे पहले हेड सेक्शन के अंदर। तो टाइटल लिखना होता है तो टाइटल हम यहाँ टाइटल लिखेंगे, टाइटल को बंद कर देंगे ऐसे। इसके अंदर लिख दिया मैंने माई फॉर्म। अब रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे कहाँ गया मेरा माई फॉर्म, मैंने सेव नहीं करा क्या फॉर्म? अच्छा यहाँ सेव हो गया, इसका नाम है इंडेक्स। चलो हाँ ठीक है। तो मैंने कहाँ पे सेव करा है? फॉर्म के फोल्डर के अंदर। यहाँ पे ये रहा राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम। ऐसे रन कर सकते हैं फाइल को, राइट क्लिक ओपन विथ गूगल क्रोम। तो यहाँ से चेक करोगे तो देखो ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा रहा है? माई फॉर्म लिखा हुआ रहा है ये रहा, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन ये जो ये वाला एरिया होता है ये उसे बॉडी बोलते हैं, इसको हेड सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कहाँ है बॉडी? ये रही बॉडी और ये रहा हेड सेक्शन, ठीक है। आपको जैसे हेड सेक्शन में लिखना है रजिस्ट्रेशन H1, H1 बंद कर दिया। H1 होती है हमारी इसमें लार्जेस्ट हेडिंग, जैसे बड़ी हेडिंग बनानी होती है ना तो हम H1 यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिख दिया मैंने रजिस्ट्रेशन। अब जरा हम चेक करते हैं रजिस्ट्रेशन कहाँ आ रहा है, ये रिफ्रेश किया, ये रजिस्ट्रेशन हमारा यहाँ आ रहा है इस तरीके से लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ सेव करना है, कंट्रोल एस करना है, फिर यहाँ चेक करोगे रिफ्रेश करके तो यहाँ से हो जाएगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे क्या चीज़ चाहिए? इसके बाद मुझे अलग अलग इनपुट चाहिए। तो अब जब भी आप ना फॉर्म बनाते हो तो फॉर्म बनाने के लिए एक टैग है हमारे पास फॉर्म। फॉर्म को बंद कर दिया, ठीक है। फॉर्म को मैंने ओपन करा, फॉर्म को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? इनपुट यूज़ करेंगे, इनपुट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? ऐसे इनपुट आ जाएगा। तो हमने क्या करा? फॉर्म ओपन करा, फॉर्म बंद कर दिया, उसके अंदर लिख दिया इनपुट। इनपुट क्या होता है? ऐसे लिखने का ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको इस तरह के ऑप्शन में आना है तो आप क्या करोगे? इनपुट लिख दोगे। पर इनपुट अलग अलग तरीके के होते हैं। तो जैसे पहला इनपुट हमने यूज़ किया टाइप इक्वल्स टू डबल कोट लिखना है, यहाँ लिखना है टेस्ट। तो मतलब इस इनपुट के अंदर हम टेस्ट लिख सकते हैं, तो ये टेस्ट लिखने के लिए स्पेशलाइज हो गया, ठीक है। हाँ नंबर भी लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। आप वैलिडेशन कर सकते हो कि इसमें ये लिखा जाए, पर अभी फिलहाल हमारा दोनों चीज़ लिखी जाएगी। फिर मैं क्या करता हूँ, इसी इनपुट की ना कॉपी कर लेता हूँ। हर टैग को ओपन करना क्लोज करना कंपलसरी है, पर इनपुट को क्लोज करना कंपलसरी नहीं है। तो आपने क्या करा, एक ही इनपुट ये लिया, फिर इसी की दोबारा से ना कॉपी पेस्ट मार दी यहाँ पे। अब की बार मैंने टेस्ट की जगह क्या करा, ईमेल यूज़ किया। तो मतलब यहाँ पे यूज़र ईमेल लिख पाएगा, ठीक है, यहाँ ईमेल लिख पाएगा। तो ईमेल के लिए हमने क्या करा, इनपुट टेस्ट ईमेल कर दिया, ठीक है।
अगर आप चाहते हो कि ना यूजर ना फोन नंबर लिखे, तो फोन के लिए टेल, इनपुट टाइप टेल, तो यहाँ पे यूजर इनपुट टाइप टेल यूज कर पाएगा। इससे क्या होगा, अभी सिस्टम में तो यूजर तो कुछ भी लिख सकते हो, पर मोबाइल अगर मोबाइल से करोगे ना तो मोबाइल में सिर्फ डायल डायल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इनपुट टाइप टेल यूज करा हमने, तो यानी अलग अलग टाइप यूज कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, फिर मुझे क्या चाहिए, डेट चाहिए, तो हमने यहाँ पे इनपुट टाइप डेट लिख दिया, जिससे क्या हो जाएगा यहाँ पे ना कैलेंडर बन के आ जाएगा ये रहा, तो यहाँ पे पूरा ये कैलेंडर बन के आ गया। तो आप इस तरह के कैलेंडर लगा सकते हो। फिर आपने क्या करा, फिर इसके बाद एंटर मारा, फिर आपने लिखा इनपुट टाइप टाइम, बहुत सारी वेबसाइट में होता है टाइम भी लिखा होता है। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या मेरा मेरा क्या हो रहा होता है, मैं मतलब क्लास के अलावा कुछ होता है मेरे पास करने को? नहीं, फिर यही हो रहा है। हाँ पता है मुझे, हाँ तो लिखा हुआ खुशी, खुशी तिवारी। हाँ इनपुट क्या, हाँ आए रहा हूँ, कोई नहीं सुबह दे जाएंगे। अभी मुझे क्लास के अंदर बने। ठीक है, इनपुट टाइप टाइम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, इनपुट टाइप कलर, कलर का ऑप्शन आ जाएगा। लाइक अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसे क्लिक करने पे बैकग्राउंड चेंज हो जाए, तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ गया हमारे पास। इनपुट टाइप रेडियो, इसका मतलब होगा लाइक पूछना कि मेल है या फीमेल है, तो इस तरीके से चेक करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसके आगे लिख सकते हो मेल फीमेल, तो यहाँ पे मेल और फीमेल। हाँ ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से आ रहा है, दोनों चेक हो रहे हैं। कैसे, एक ही चेक करना भाई, तो एक ही चेक करना है, तो क्या करेंगे हम ना, नेम लगा देंगे, नेम इज इक्वल टू एम, और यहाँ पे ऐसे सेम ना कुछ भी नेम दे देना, मतलब सेम रखना है। तो आपने क्या करना है, नेम ना सेम रखना है इसके अंदर, तो एम, तो इससे क्या हो जाएगा, ए या ये दो में से एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, इनपुट टाइप नेम, तो आपने क्या करा, हाँ इसका मतलब हुआ दोनों का नाम जब सेम होगा तो एक ही चीज सिलेक्ट होगी, या तो ये होगी या ये होगी, तो जब अगर अब दो नाम अलग अलग लिखने होंगे तो तो नहीं काम करेगा। तो ये एक ही पे काम करना था, हमने एक ही जगह लगाया। हाँ, तो आप यहाँ पे अगर इसका नाम मैंने कुछ और कर दिया, तो देखो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको एक ही सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, एम ऐसे लिख देंगे, नेम लिख देंगे। इनपुट टाइप ये समझ में आ गया, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, चेकबॉक्स ये भी काफ़ी यूज होता है, जैसे दिल्ली कानपुर इलाहाबाद इस तरीके से यहाँ पे लिखने के लिए, दिल्ली। कानपुर, हाँ नहीं, उसकी गाड़ी का आगे ना CNB लिखा होता है, ALD। ठीक है, तो ये लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से चेक करने का ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आते हैं ये सारे इनपुट, ये समझ में आए इनपुट आपको, इनपुट टाइप फाइल, अगर फाइल अब इमेज अपलोड करवानी है, इनपुट टाइप फाइल, इससे क्या हो जाएगा, इमेज अपलोड, जैसे CV अपलोड करवाना है तो वो ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा हमें। ठीक है, इनपुट टाइप रेंज, मतलब अगर आप ई कॉमर्स डिज़ाइन करोगे, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, तो उसमें रेंज का ऑप्शन होता है, कितने से कितने रेंज तक के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो इनपुट टाइप रेंज से ये आ जाएगा। इनपुट टाइप, इनपुट टाइप वीक, अगर पूरा का पूरा वीक चूज करवाना है आपने, तो
यहाँ पूरा का पूरा वीक का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। लाइक कोई वीकेंड रखा हुआ है, कोई पार्टी रखी हुई है, इससे इस तक की है, तो वो सब चीज़ आप कैसे सेट कर सकते हो। इनपुट टाइप पासवर्ड, अगर लाइक आप कोई फॉर्म बना रहे हो उसमें आप चाहते हो कि ना यूज़र जो लिखे वो डैश डैश में आए, तो आप इनपुट टाइप पासवर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। तो हमारा ये इनपुट टाइप पासवर्ड आ जाएगा इस तरीके से। और सर वो वाला जो होता है बॉक्स के नीचे पूरा रहता है ना, जैसे सिटी का भी डिटेल रखी होती वही है। बताऊंगा। नंबर, इनपुट टाइप नंबर, पता है इसका मतलब क्या होगा? यूजर ना इसमें ना सिर्फ नंबर लिख पाएगा, कैश नहीं लिख पाएगा, ठीक है। अब ये हो गए हमारे सारे इनपुट, ये सारे हमारे इसमें इनपुट है, इतने अलग अलग इनपुट है, बस क्या है सब सेम में सेम फॉर्मेट है, सिर्फ नाम चेंज होना है, इनपुट टाइप ये इस तरीके से, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर, फॉर्म के अंदर और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि मुझे अलग अलग कोर्सेज दिखाने हैं, तो यहाँ मैंने लिखा सिलेक्ट, इसे ड्रॉप डाउन बोलते हैं, ओपन करना है, क्लोज करना है इसको, इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन दे देना है, ऑप्शन ओपन करना है, ऑप्शन को बंद कर देना है। ऑप्शन देंगे सब में करना हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइन, के बीच में लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइन, ऐसे ही मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा, इसको लिख दिया वेब डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, और यूआई डिज़ाइन आ गया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, यूआई डिज़ाइन, ये ऑप्शन आ गया, जो डिफॉल्ट में सेलेक्ट वाला आपने जो तो बताया। आप ना यहाँ पे ना इसमें लिख देना ऑप्शन चूज कोर्स, तो वो तो उसमें ग्रे कलर का रहता है ना और सारे ब्लैक रहते हैं। आप ना इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो फिर बाद में, अभी तो ये ऐसे ही आएगा, डिफॉल्ट आएगा, आप तो क्या करना है फिर इसकी स्टाइलिंग कर ले सकते हैं, उसको स्टोर पर क्लिक करेगा तो ये सारे हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, सिलेक्ट वाला ऑप्शन एक है इसके अंदर, टेस्ट एरिया ये आपने देखा होगा, इससे क्या होगा, ऐसे लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, कमेंट लिखने के लिए होता है ना टेस्ट एरिया, आप टेस्ट एरिया लिख सकते हो, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट, ये आ जाएगा इन सब क्वेरी को सबमिट करने के लिए, ठीक इससे सबमिट बटन आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इनपुट टाइप रीसेट, इससे रीसेट बटन आ जाएगा, तो इससे रीसेट बटन आ जाएगा। चलो अब इसको सही से समझते हैं, तो ये देखो मैंने क्या करा, एक फॉर्म बनाया, जितने भी होते हैं ना सारे ही मैंने इसमें लिख दिए, ठीक है, जितनी यही हो। हाँ ये जो बॉक्स के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो लिखा है हाँ सबमिट वाला, जैसे सबमिट की बता रहा हूँ सही में, अभी इसमें अपना सबमिट लिखा रहे ना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखोगे आ जाएगा, अभी देखो ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ सब एक के नीचे एक आए, तो क्या करना चाहिए हमें, लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग था, बी आर, तो यहाँ पे आप अगर बी आर टैग लिख दोगे सबके आगे तो क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी, मतलब इस टैग से क्या होता है, लाइन ब्रेक होती है, तो मैं सबके आगे क्या कर रहा हूँ, ये बी आर टैग लगा रहा हूँ, इसे मेल फीमेल के आगे यहाँ लगा देता हूँ बी आर टैग, ये चेक बॉक्स के बाद मैं यहाँ लगा देता हूँ बी आर, क्योंकि ये तीन चेक बॉक्स इसमें आ जाएंगे, ये फाइल नीचे लगा देता हूँ, ये बी आर 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 लगा दिया, और इधर भी मैंने बी आर लगा दिया, और इधर भी मैंने बी आर लगा दिया, इन दोनों को एक लाइन में लाइन, तो कैसा आउटपुट आ रहा है, देखो एक लाइन में आ गया इस तरीके से, ये अकेला कौन सा आ गया, ये रीसेट, ये लिखा हुआ, ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारे को फॉर्म, ठीक है समझ में आया। मैंने यहाँ पे ना, आप सोच रहे होगा कि मैंने यहाँ पे ना ये देखो क्या दिया था, ईमेल दी थी, तो हम तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ भी लिख सकते हैं, ईमेल यहाँ भी लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसे सबमिट इसे यहाँ पे ना, अभी देखो मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है कि एड्रेस लिखना जरूरी है, तो यानी आप इसमें ईमेल ही लिख पाओगे, ठीक है, मतलब बिना एड्रेस के सबमिट नहीं कर पाओगे, आगे होगा समझ में ये चीज़। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फॉर्म पूरा इस तरीके से सेट हो गया। अब इसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं, तो हर एक टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे पहला टैग है हमारा इनपुट, तो इनपुट का एट्रीब्यूट है, आप यूज़ कर सकते हो प्लेस होल्डर, इससे क्या होता है, प्लेस होल्डर का मतलब होता है, जैसे आप यूँ लिख दो एंटर नेम, नेम, ठीक
इससे क्या होगा, इसके अंदर ना एंटर नेम लिखा आ जाएगा, ठीक है। जब यूजर लिखेगा ना तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ तो ये सबमिट हो रहा है। अगर मैंने इसके बाद दूसरा वो यूज़ करूँ रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भरना ना कंपल्सरी हो जाएगा। नहीं भरोगे तो लिखा आ जाएगा प्लीज़ फिल आउट। अगर मैं इसके बाद सबमिट करूँगा सबमिट हो जाएगा, पर अभी क्या हो रहा है, अभी पहले अगर इसे इसे भरना कंपल्सरी हो जाएगा। तो जिसके आगे भी आप रिक्वायर्ड लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। ये कंपल्सरी हो गया, ये भी कंपल्सरी हो गया, तो ये भी भरना पड़ेगा, तो ये भी कंपल्सरी हो गया। अब ये तो कह रहा है एड्रेस भी लगाना पड़ेगा, gmail.com भी लिखना पड़ेगा, तभी सबमिट होगा ये, ठीक है। आगे समझ में? तो इस तरीके से हम br टैग लगा सकते हैं। ये चीज क्लियर है ना। अब और एट्रीब्यूट देखते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कोई दिल्ली ना मुझे डिफॉल्ट टैग दिखानी है, तो आप उसके आगे लिख सकते हो टैग जो, तो टैग लिख दोगे तो दिल्ली डिफॉल्ट टैग दिख जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ना यहाँ पे ये क्या है, वीक के बाद क्या था, वीक के बाद पासवर्ड है, तो आपने क्या करा, यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखा इक्वल्स टू, और यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पासवर्ड इस तरीके से बना दिया, यहाँ पे नंबर ही लिख पाएगा यूज़र कोई, यहाँ चूज़ करने के लिए हो गया, ये टेस्ट वो लिखने के लिए हो गया, ठीक है। आप चाहते हो सबमिट की जगह कुछ और लिखवाना है, अगर आप चाहते हो डिफ़ॉल्ट किसी में कोई वैल्यू चेंज करनी है, सबमिट ना ये बटन के लिए होता है, क्वेरी सबमिट करने के लिए, रीसेट रीसेट करने के लिए होता है। लाइक आपने यहाँ लिखा और रीसेट के बटन पर क्लिक करोगे रीसेट हो जाएगा, सबमिट नहीं होगा रीसेट होगा, मतलब वैल्यू रीसेट हो जाएगी ये। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पे ना लिखना कुछ और चाहते हो, तो आप ना यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। रिफ्रेश लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्लिक ये लिया, रिफ्रेश करने के लिए रिफ्रेश हो गया, ठीक है। अगर इसको भी चेंज करके देखते हैं वैल्यू, और इसके अंदर लिख दिया मैंने सैंडबॉक्स, तो क्या हुआ, इधर भी तो कुछ भी लिखूंगा मैं, सेंड बॉक्स पे क्लिक किया और बाप रे मैंने सब, ठीक है, समझ में आया। तो हमारा ये इस तरीके से फॉर्म बन गया। क्या कलर चेंज का पार्ट नहीं होगा इसमें अभी, कलर अभी इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर बनेगा, CSS में कलर चेंज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना आपको? हाँ, कलर चेंज कर दिया। तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से आ गया ये, तो ये हमारा एक फॉर्म पूरा तैयार हो गया। प्रतिभा सिंह नाम सुना सुना है, ये कौन है प्रतिभा? प्रतिभा हमारे मैच की नहीं, कोई और है, इसको सिंह नहीं है। हेलो, हाँ बताइए। अच्छा, वेब डिज़ाइनिंग करनी है? अच्छा, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मंडे से आ जाना, मंडे से आ जाना। तो टाइम शाम को तो नहीं चलेगा ना आपको? शाम को चल जाएगा टाइम? वो मेरा एक बैच है 6:30 का नया बना है, अभी लेट हो जाएगा, तो मैं फिर आपको दिन का टाइम बता देता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मैं वो बता देता हूँ, ठीक है, मैं फ्री होकर बताता हूँ आपको। हाँ क्या नहीं, अरे 6:30 पे नहीं है ना वो, मैं वही तो सोच रहा था इसी टाइम पे बुला लेना, तो मुझे नया दोबारा से रखना पड़ेगा, कोई दिन में पे चेक करना पड़ेगा। ये मैंने कहा ना कि कोई और है, तो मुझे याद आया फिर एक क्वेरी आई थी। चलो अब मुझे कोई और बैच बनाना पड़ेगा दिन में भी एक। हाँ समझ में आया ये चीज़। तो इस तरीके से हमने क्या करा, ऐसे सारे सेट कर लिए हमने यहाँ पे। वाले में भी किसी एक पे क्लिक करना होगा तो उसमें भी नेम देना पड़ेगा क्या?
चेक वाले में नहीं, ये चेक वाला जो होता है वो मल्टीपल चेक सिलेक्शन के लिए ही होता है। ठीक है, तो हमारा ये इस तरीके से बन गया। तो हमने ऐसे यहाँ पे फॉर्म सेट करा, फॉर्म बना दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा फॉर्म बन जाएगा। तो इंक्वायरी फॉर्म बनाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ, इसी को ही मैं ना दोबारा से बना रहा हूँ। अब मैं ना फॉर्म के साथ टेबल बनाऊंगा। ठीक है, तो एक नई फाइल ले रहा हूँ मैं टेबल के नाम से, टेबल डॉट एच टी एम एल। तो आज के लिए दो चीज़ हो जाएगी आपके लिए, डॉक टाइप एच टी एम एल, एच टी एम एल, एच टी एम एल बंद, बॉडी, हेड सेक्शन बंद। अभी हेड सेक्शन की जरूरत नहीं है, वैसे अभी हटा देते हैं। ठीक है, सीधा बॉडी लेते हैं, बॉडी, बॉडी बंद। ठीक है, आपने क्या करा, टेबल ली। टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल ऐसे बनाते हैं, टेबल टेबल को बंद कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इस टेबल के अंदर आता है टी आर, टी आर को बंद कर दिया ऐसे हमने। टी आर की होती टेबल रो, और टी बी होता है टेबल कॉलम। ठीक है, तो आपको ये टेबल बनानी होती है। टेबल बनाने का ये तरीका होता है, टेबल, टेबल के अंदर टी आर, टी आर के अंदर टी डी। ठीक है, मतलब टेबल, टेबल के अंदर टी आर और टी डी। ठीक है, तो आपको अलग अलग टी डी बनाने, जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए सीरियल नंबर, कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ रख लिया मैंने यूजर नेम, कॉपी किया, पेस्ट कर लिया, और यहाँ रख लिया मैंने कोर्सेस। ठीक है, तो कैसा आ रहा है टेबल, कैसी बन के आ रही है, चेक करते हैं। रन कराने के लिए राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ करते हैं, क्रोम करते हैं। तो टेबल देखो ऐसे बन के आ रही है हमारे पास, है ना। लाइन लाइन देनी होती है तो यूँ लिखे टेबल के आगे स्पेस दे के बॉर्डर, तो क्या हो जाएगा, लाइन आ जाएगी ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। अब टेबल के अंदर अलग अलग कंटेंट चाहिए, तो क्या लिखेंगे, एक टेबल, एक रो खत्म हो गई और दूसरी टी आर लगाए थे, टी आर, टी आर को बंद कर दिया। ठीक है, इसके हाँ हाँ एक रो पे एक लाइन आएगी ना हमारी पूरी। तो अब देखो मुझे इसमें जैसे चाहिए 101 नंबर, इसमें चाहिए मुझे टी डी, इसमें चाहिए मुझे, इसमें देता हूँ जितेंद्र तोमर। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, दूसरी टी डी, अब इस पे लिख दिया मैंने कोर्स है वेब डिजाइनर। अब जरा चेक करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखो हमारे पास ये कंटेंट इस तरीके से आ गया। तो मतलब जितनी रो बनती जाएगी उतना अलग अलग हम डाटा उसमें डालते रहेंगे। आ गया समझ में, तो टेबल बनाने का ये तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसे कॉपी, अब मुझे जैसे अलग, अच्छा एक चीज़ कर सकते हैं, ये टी डी की जगह मैं टी एच यूज़ कर सकता हूँ। टी एच की फुल फॉर्म क्या होगी, टी एच की फुल फॉर्म क्या होगी, टेबल की हेडिंग। तो देखो दोनों में फर्क क्या आएगा, टी डी तो अभी पता चल रहा है आपको कैसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था, देखो ऐसा आ रहा था। टी एच यूज करोगे तो ये बोल्ड होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये बोल्ड होके आ गया। स्पेसिंग भी अपने आप आई ना, हाँ, तो उसमें स्पेसिंग अपने आप हो गई। तो देखो हमारी ये टेबल बनती जा रही है, ये तो इम्पोर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा। अब आपको क्या करना है, दूसरी टेबल बनानी है। तो आपने टी आर यूज़ किया, दूसरे को टी आर को आपने जो टी आर ओपन किया था बंद किया था, ये रहा, अब 102 कर दिया। यहाँ मैंने कर दिया नीलम, और यहाँ मैंने यहाँ पे देखो इस तरीके से ये बनता जा रहा है। तो टेबल बनाने का ये तरीका होता है, इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी है, एक तो हमने फॉर्म बनाना सीखा, इस तरीके से फॉर्म बन जाएगा, और एक हमने टेबल सीखी, टेबल बनाने का ये तरीका। हाँ, तो बन जाएगी। नहीं तो फिर आपको ये यहाँ पे ना ये करना पड़ेगा, यूँ लिखना पड़ेगा, फिर वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ऐसे लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को ऐसे बंद करना पड़ेगा, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा तुम्हें लेट आई इज इक्वल टू 0, देन यहाँ लिखना पड़ेगा तुम्हें
while loop, इसके अंदर लिखना पड़ेगा आई ग्रेटर देन 100 एंड देन इसके अंदर तुम्हें डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे फिर तुम्हें आई लिख के प्लस बी आर और फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस फिर तुम्हें ऐसे सही होगी। तो ये देखो 99 तक अपने आप आ गई ना, तो इसके अंदर भी मैं जो भी रखूँगा इसका मतलब इसके अंदर जो भी रखूँगा वो मेरे ऐसे आ जाएगा, टेबल रखूँगा टेबल आ जाएगा। तो फिर वो जावास्क्रिप्ट से करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो हम एचटीएमएल कर रहे हैं तो अभी ये तो ना देखे अभी। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या 100 क्या 1000 भी डाल दूंगा, 1000 बटन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गए, ठीक है। तो वो जावास्क्रिप्ट से करना पड़ेगा, तो अभी जावास्क्रिप्ट को नहीं करते, अभी हम इसको हटा देते हैं। इसमें फॉर और एंड भी आएगा। हाँ हाँ, फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, फॉर ईच लूप होता है। ये समझ में आ गया ना। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, अभी हमने टेबल बनाई, टेबल में TH यूज किया टेबल हेडिंग के लिए और हमने TR यूज की टेबल रो, अजी TR यूज की टेबल की रो और यहाँ हमने TD यूज किया टेबल का डाटा, ठीक है। समझ में आ गया ना, इतना करते हैं सामने, ठीक है। तो आज हमारा क्या टास्क हो गया, आज हमारे पास किसका, अरे यार मैंने बताया ना कलर वाला पार्ट हम CSS में करेंगे। अरे तो पूरा थोड़ी तो वीडियो अपने साथ में वापस हो जाता है। आ जाओ अंदर ही आ जाओ, क्या नाम लिख क्या लिखा उसमें रख गया। हाँ तो ये रहा हमारा, और ये टेबल का है हमारी, इसकी टेबल डॉट html ये प्रज्ञा, ये आ रहा प्रज्ञा का कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे हम स्टाइल इक्वल्स टू कलर नहीं सॉरी बैकग्राउंड कॉलम रेड, ठीक है। अगर आपको कोई चीज बीच में रखनी है तो टैग है सेंटर और यहाँ पे से सेंटर को बंद कर दो, ठीक है। टेबल को भी रखना होगा, टेबल के लिए तो अपने अब टेबल में तो बना बनाया ही है, अलाइन सेंटर, ठीक है। विथ देनी होती है तो यहीं पे टेबल की विथ का ये होता है, विथ 80% जो भी देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, आगे समझ में। तो रिकॉर्डिंग तो हुई है, बाकी तुम इसे स्टेप बाय स्टेप करके देखना, ठीक है। तो एक हमने क्या करा, टेबल वाला सेक्शन करा है और एक हमने फॉर्म बनाया है, फॉर्म डॉट इंडेक्स डॉट html ये फॉर्म बनाया हमने, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कैसे मैंने किया, तो ये करना आज आपने। रिकॉर्डिंग अरे रिकॉर्डिंग हुई नहीं, अरे उसमें हुई है। अच्छा।